तो चंड पादुका पार करने के बाद हम लोग रुके हैं एक ढाबे पे, सब पिएंगे अब एक एक गिलास दूध, दूध पीनी जान लेने के लिए अपनी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मतलब जान लाने के लिए भैया चले गए थे इसलिए सब भी लग गया। पिछली बार जब हम आए थे यहाँ पे तो पूरा रेस्टोरेंट रख रहा था, यहाँ पे दाल मखनी जो भी आपको सब्जियाँ खानी है, नान बटर नान सब था। तो गाइस टाइम हो गया 5:30 और हम लोग निकल रहे हैं अब माता के दर्शन के लिए। तो जो हमारा होटल है होटल न्यू ओम, भी भैया ने हमें सर्विस भी दी है पिक एंड ड्रॉप। तो भैया ने हमें उतार दिया है जो दरबार का मेन गेट है वहाँ पे, और अब हम यहाँ से करेंगे स्टार्ट। तो गाइस आपको मैं अभी थोड़ा सा उजाला है तो आपको व्यू दिखाता हूँ, जन्नत। रात को कहाँ है पांड्या? ये मेन गेट है, यहाँ पे जल्दी चलना, फोटो खिंचा लो अंधेरा होने से पहले, फिर अपना यहाँ से सीधा चढ़ाई करनी है, वरना पीछे जाना है बिल्कुल। और 5 बजे का टाइम दिया था इनको निकलने का, डंडे दे देके पौने 6 कर दिया, और एज यूजुअल हमेशा सैबी ने लेट कराया। यहाँ पे जब आप आएंगे तो जो आपकी कोविड रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे चेकिंग मिल रही है, यहाँ पे चेक होगा, एंड जिसने नहीं करा रखा है यहाँ पे उस साइड रैपिड टेस्ट हो रहे हैं। गाइस अब हमने कर दिया यात्रा स्टार्ट, हमारी कोविड रिपोर्ट वगैरह सब चेक हो गई है। एक बार सारे बोल दो जय माता दी, जय माता दी। गाइस मेन रास्ता स्टार्ट हो गया, पहले यहाँ पे सारे खच्चर बने रहते थे, अभी कोई भी नहीं है। और देख लो आगे तो हमारे कोई भी नहीं है, अभी हम 8 लोग ही जा रहे हैं, देखो आगे कैसा क्राउड मिलता है नहीं मिलता। तो अभी पहला स्टॉप आ चुका है बाढ़ गंगा का, जहाँ पे माता रानी ने अपने केश धोए थे। पहली सीढ़ियाँ ये है, स्टेप भी छोटे हैं, कोई तो दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में भी एनर्जी है ना इसलिए देख लो। चलो 500 सीढ़ियाँ पहले चढ़ो। तो गाइस हमने पहला स्टेप कंप्लीट करा सीढ़ियों से, ये थी 500 सीढ़ियाँ। पिछली बार प्रीति की हालत खराब थी, इस बार मेरी हालत खराब हो गई है। बाढ़ गंगा के बाद गाइस आता है चंड पादुका, यहाँ पे माता रानी के पैरों का निशान है। तो गाइस बाण गंगा के बाद अब सेकंड हम पहुँच चुके हैं चंड पादुका, तो अभी हम अंदर तो नहीं जा सकते, ये बंद कर रखा है, तो बाहर से दर्शन कर लिया हम लोगों ने, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो पहली सीढ़ी हमने 500 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं, बट हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चढ़ पा रहे सीढ़ियों के थ्रू, तो अब हम नॉर्मल रास्ते से जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे। तो तरुण पहली बार वैष्णो देवी आया है, तो चढ़ाई स्टार्ट करी है, पहली 500 सीढ़ियां कंप्लीट कर ली, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट है कि जल्दी जल्दी ऊपर पहुंचे दर्शन करें। और शिवानी ये भी पहली बार आई है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत मजा आ रहा है। विश्व भी पहली बार आया, नीचे से तो देख के डर रहा था, जोश आ गया, माता रानी की आरती लगा दी है, अब जोश बढ़ रहे हैं। और प्रीति तो पिछली बार थक गई थी, हालत खराब हो रही थी, इस बार तो मुझसे आगे आगे भाग रही है। ये आ गए, इन्होंने बीच रास्ते में हमारा साथ छोड़ दिया सीढ़ियों का। तुम्हें पता है एक बात बताऊं, 50 सीढ़ियां रह गई थी। कोई बात नहीं यार, उसकी हालत। तो वरुण सीढ़ियों में तो तुम थक गए थे। मैं नहीं थकूंगा, इसमें सही लग रहा है, इसमें तो तुम और चलो चलो चलो, पहली में ही पहुंचा था। सभी तो कितने टाइम बाद आया? मैं तो भाई गोदी में ज्यादा आया। तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी सोचा नहीं था ऐसे तुमसे मिलूंगा और यहां पे आ जाऊंगा। चलो 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 चलो, जय माता दी गाइस, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, फिर से बोलो जय माता दी, तो मत बोलते जाओ। तो चंड पादुका पार करने के बाद हम लोग रुके हैं एक ढाबे पे, सब पिएंगे अब एक एक गिलास दूध, दूध पीनी जान लेने के लिए अपनी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मतलब जान लाने के लिए।
तो अभी भैया जी कर रहे हैं दूध गरम। कितने बजे पहुंचे हम यहाँ पे? पहुंच गया। टाइम हो रहा है 6:51। 6:40 पे हम लोग चंद पादुकाओं में थे और हम यहाँ ढाबे पे रुके हैं। उससे थोड़ा सा ऊपर आते ही एक पहले कट पे थे, अब यहाँ पे हम पियेंगे दूध एंड पिन्नी देन चढ़ाई कंटिन्यू। उसके बाद कोई रुकेगा नहीं 2 घंटे से पहले, फिर तुम्हें मैगी मिलेगी। अबे साले भैया चले गए थे इसलिए सब भी लग गया। मैगी बनाऊं तुम्हारे लिए। भैया आपका नाम क्या है? सुभाष। ये हम सुभाष भाई की दुकान पे आए, उनके ढाबे का नाम है मंगल सिंह ढाबा। और पिन्नियाँ खुल रही हैं और ये पंजीरी लगी है। माय न्यू लुक। अब हम पिएंगे दूध एंड पिन्नी। दब क्यों गए? पिन्नी दे दबे हुए लड्डू। पिन्नी दे दबे हुए लड्डू। अबे साले। तो गाइस 25 मिनट लगातार चलने के बाद यहाँ रुके थे, हमें थोड़ी सी सीटिंग मिल गई थी। तो सबसे आगे शिवानी चल रही थी और उसके बाद विशु और तरुण थे और प्रीति मुझे खींच खींच के लेकर आ गई है। सबसे पीछे ये तीन लोग सबसे पीछे थे, इनका इंतजार कर रहे हैं हम 5-7 मिनट। चलो चलो चलो। तो चलो गाइस अब निकल रहे आगे, ये दोनों रह गए पीछे। चलो अब निकल गई है प्रीति की बूस्टर इमली, दिखा दो। ये बात। और 526 सीढ़ियां हैं तो लोगों ने 5 काट दिया। धोखा मत खा जाना गाइस, कहीं 26 सीढ़ियों के चक्कर में उतर जाओ। नहीं, बादाम। थक गया? थोड़ी थोड़ी हो ही रही है, क्या करें? कुछ दूँ? इमली खाएगी? नहीं कुछ नहीं खाना, बस चलना है, चलते जाओ। जय माता दी। जय माता दी। अभी तो बहुत है। ये चढ़ाई चल रहे हैं यहाँ पे, काफी हद तक हमने चल लिया, थकावट तो हो रही है हमें, पर देखते हैं जैसे जैसे हम चले जा रहे हैं वैसे वैसे और चले जा रहे हैं। पर चलो देखो अभी हम पानी पीने के लिए रुके थे, ये आए मामा का सारे पीछे, काफी मजा आ रहा है। हम धीरे धीरे चले जा रहे हैं, ऐसे एंजॉय होता है धीरे 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 धीरे, बस चलते रहो, कुछ पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ चल रहे हो या जितने मर्जी पार चल रहे हो। तो गाइज अभी 10 मिनट वॉक करी है हमने और सबकी हालत खराब हो रखी है, सब बैठ गए हैं। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी अभी हमारी वीडियो देख रहा है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना एंड चैनल जो जो नया है प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो रोगे उतना जितनी भी अभी तक हमने अपडेट्स दी हैं, सारी प्रूफ दी हैं, जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ है हमने वही वही आपके साथ शेयर किया है। तो डू लाइक आवर वीडियो और हमारे चैनल को और ग्रो कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स को? बस सब्सक्राइब करते रहिए, एक ही बार कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन दोबारा मत दबा देना। तो गाइज अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे, एक डायवर्जन है इंद्रप्रस्थ, लेफ्ट को आपका दिख रहा है भवन वाया हिमकोटी मार्ग और राइट साइड को आप जाओगे तो हाथी मत्थे मार्ग से जाओगे, दोनों में 1 किलोमीटर का फर्क है और इस रास्ते से खच्चर आएगा। और ये जो नया रास्ता चालू हुआ है इस रास्ते में आपको गाड़ी की सर्विस है और ये रास्ता थोड़ा साफ है, यहाँ पे खच्चर वगैरह नहीं होंगे। तो गाइज उससे थोड़ा सा आगे आओगे 2 मिनट वॉक करके तो यहाँ पे टिकट्स काउंटर है, बैटरी कार टिकट, तो ये है 354 रुपीज पर पर्सन, बट आई थिंक ये बंद है, ताला लगा हुआ है काउंटर पे, तो अभी सर्विस शायद चल नहीं रही है, बाकी शायद आगे ड्राइवर खड़े हैं उनसे पूछ लेंगे। तो गाइज सर्विस तो चालू है बट अगर सवारी ज्यादा होंगी तो ले जाएंगे आपको। तो जैसे कि अभी टाइम 8:45 हो रहा है तो 15 मिनट वो कह रहे हैं रुकने के लिए, अगर सवारी पूरी हो जाएंगी तो वो एक गाड़ी निकाल देंगे और 354 रुपीज पर पर्सन है, ये सीधा आपको दरबार उतारेंगे फिर। और यहाँ इनका फोटो शूट फिर से चालू हो चुका है लड़कों का, क्योंकि यहाँ पे है व्यू एक नंबर। गाइज यहाँ पे स्पीकर्स भी लगे हुए हैं तो आरती चल रही है, अपना आरती सुनते सुनते शरीर के अंदर अपना एनर्जी आती जा रही है। और यहाँ से हिमकोटी रह गए 2.25 किलोमीटर। जय माता दी, जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। हमने ऑलमोस्ट आधा रास्ता पार कर दिया है, मैं फुल जोश में हूँ अभी तक, और अब हमारा भवन रह गया सिर्फ 5 किलोमीटर अवे। गाइज सिर्फ 5 किलोमीटर रह गया, जोर से बोलो, सारे बोलो। और गाइज अगर किसी को मेडिकल नीड है कोई तो वो अर्धकुंवारी के रास्ते आ सकता है, वहाँ पे डिस्पेंसरीज अवेलेबल है, वहाँ पे आपको बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाएंगी।
तो गाइज अभी हमें चढ़ाई करते टाइम दो भाई मिले जम्मू के, उन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, तो अब ये हमारे सब्सक्राइबर हैं आज से। ये कुछ बताना चाहते हैं जम्मू से रिलेटेड कुछ। आपका नाम? हमारा नाम विशाल सिंह मिन्हास है। और एक ये भाई है हमारे, मेरा नाम मानिक मोहत्रा। इनका इंस्टाग्राम पे पेज भी है, जम्मू टाइम्स का पेज है, प्लीज फॉलो कीजिए। जैसे कटरा में ये वाली माता है ना, वैष्णो माता है, वैष्णो माता, वैसे वहाँ पे जम्मू वाली माता है, इतनी मान्यता है, इतनी मान्यता है। तो गाइज अगर कभी किसी का जम्मू में लंबा प्लान बनता है तो आप लोग वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। चलो ठीक है भैया, थैंक यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा बड़ा। तो गाइस अभी 10 बज रहे हैं और हम लोग बैठे हैं यहाँ पे चाय वाय पी ले, और चाय है क्या खा रहे हो? गुड्डे अमीर लोग भाई, नहीं खाते चाय, बनाइए पानी रोके दूध ठोक के। तो हमने चाय वाय पी ली है और अब हम निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए जो कि है भवन, और टाइम हो रहा है 10:20 PM। अब हम आपको मिलते हैं डायरेक्ट भवन में। हमारा डिस्टेंस रह गया है 2.75 किलोमीटर। माँ भगवती आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। लास्ट टाइम मैं इसी टाइम आया था, तब ये दो शॉप थी नेस्कैफे की, यहाँ से हम लोगों ने सैंडविच वगैरह लिया था। तो अभी जैसे कि यात्री कोई आ ही नहीं रहा, तो यहाँ के हालात देख सकते हो आप, सब बंद पड़ा है, धूल मिट्टी जमी हुई है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आइए और यहाँ के लोगों की इकोनॉमिकल जो सिचुएशन हो रखी है उसको थोड़ा बेटर बनाइए, ताकि यहाँ टूरिज्म बढ़ा रहे और यात्रा ऐसी चलती रहे सबकी। जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस फाइनली हम दरबार तक पहुंच चुके हैं, और जो गाड़ियों की सेवा मैंने आपको बताई थी वो यहाँ खड़ी है, जैसे देख सकते हैं आप, ये पूरा दरबार तक आपको छोड़ती हैं। टाइम हो रहा है 11:30, 6 बजे चढ़ाई चालू करी, 5.5 घंटे में हम पहुंच गए हैं। अभी नहीं पहुँचे हम इतनी जल्दी, आज जो जैसे पहुँच गए हम, गरम दूध जरूर पीना सो करके ऊपर, गरम दूध और पंजीरी बस। तो गाइस हम पहुंच गए हैं भेंट शॉप, अब यहां से लेंगे हम लोग प्रसाद, देन नीचे लॉकर मिलेंगे, लॉकर में हम लोग रखेंगे अपने बैग वगैरह, रखना पड़ेगा जूते और चमड़े की कोई चीज़ लेके नहीं जा सकते, घड़ी बितानी पड़ेगी। आई होप आप लोगों को माता रानी के दर्शन हो गए हैं यहीं से, जो जो इस साल नहीं आ पाया हमारी वीडियो देख के दर्शन करिए, जय माता दी। गाइस दरबार पहुंच गए हैं, प्रसाद लेने लगे हैं, अभी सारे जा रहे हैं प्रसाद ले रहे हैं, और ऊपर पहुंचते ही ऐसी ठंड लगी है सबको। मैं नीचे बोल रहा था तो ये लोग कह रहे थे कि अरे नहीं है ठंड, यही नहीं कटरा में ठंडी नहीं है, ऊपर भवन पहुंचते इनकी हालत खराब हो गई है, इसको देख लो, दो मफलर ऊपर टोपी, मैंने टोपी पहन ली है, पहुंचते ही जिप मेरी बंद हो गई है, पूरे रास्ते खुली हुई, ये देखो मफलर मांग मांग के पहन रहे हो, अनु देख लो, ये लड़कियों ने इसको बोला कि ये बेकार लग रही है तुझ पे, इसने नहीं पहनी, इसने पूरे रास्ते पहने ही नहीं, ऊपर आते निकाल लिया। तो गाइज जैसे कि मैंने बताया था नीचे जो अपने बैटरी वाली गाड़ी अगर आप किसी को आना है तो 340 something का था, और अगर नीचे को जाना है, नीचे जाने के लिए आपका प्राइस थोड़ा वेरी करेगा, 236 rupees पर पर्सन है, तो ऊपर आते हुए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, नीचे जाते हुए थोड़ा सा आपको प्राइस में वेरी मिलेगा। ये 70 वाले दो प्रसाद दे दो। तो चलो चलते हैं। चलो गाइस मिलते हैं, माता के दर्शन करके आते हैं, फिर मिलते हैं। 1 hour later। तो गाइस अभी 1:15 हो रहा है, हम आ चुके हैं वापस माता के दर्शन करके, बहुत बढ़िया दर्शन हुए, तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने, खाना वाना खाएंगे देन भैरव के दर्शन के लिए। तो गाइज माता के दर्शन होने के बाद अभी हम जाएंगे भैरव पे, बट उससे पहले अभी हम लोग करेंगे डिनर। इस रास्ते से हम लोग आए थे, और जहाँ से ये विशा और वरुण आ रहे हैं इधर भवन है, वहाँ से आए थे हम लोग, तो ये रास्ता जा रहा है अब भैरव को, और ये चढ़ाई एकदम खड़ी है, तो उससे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे डिनर शक्ति भोजनालय, क्योंकि हम लोगों ने डिनर इसलिए नहीं करा था कि पहले माता के दर्शन करेंगे उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। अभी शक्ति भोजनालय में तो काफी ज्यादा रश है, मैं इधर आगे देखने आया था तो ये आगे सारी शॉप्स बंद हो चुकी हैं, कोई यात्री नहीं है तो कुछ नहीं आया, खत्म। तो अभी वहीं खाएंगे जो भी है मिलेगा, राजमा चावल देखे थे मैंने। तो गाइस हमने यहाँ पे ये राजमा चावल लिए 40 रुपए प्लेट, एंड कढ़ी चावल लिए 40 रुपए प्लेट, और ये अचार है साथ में। तो पिछली बार जब हम आए थे यहाँ पे तो पूरा रेस्टोरेंट रख रहा था, यहाँ पे दाल मखनी जो भी आपको सब्जियाँ खानी है, नान बटर नान सब था, अभी बेचारे सब यही खा रहे हैं राजमा चावल, नो ऑप्शन। तो गाइस अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बोला भी नहीं जा रहा, इतनी हालत ख़राब हो रही है, तो लेकिन चलते हैं अब सीधा भैरव मिलेंगे।
तो गाइज हमारी यात्रा हो चुकी है सफल, सारे के सारे पहुंच गए थे भैरव और अंदर दर्शन भी कर आ गए हैं। ये मंदिर है ऊपर, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो सबकी हालत तो अभी थी खराब, बट अंदर से आने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ गई सब ना भाई, बहुत एनर्जी आई है थोड़ी सी ऊपर से आने के बाद। ईशा आपका क्या हाल है? अब तो यूं हो रहा है बस पहुंच जाओ। बुरा हाल है। प्रीति जी आपका क्या हाल है? उतरने लायक नहीं बच्ची मैं, मजा दिल्ली दूर है अभी। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 6:30, हालत हो गई खराब, इसको तो पकड़ पकड़ के चलाना पड़ रहा है मुझे। तो मैंने सोचा था आप लोगों को मैं सनराइज दिखाऊंगा, टाइम लैप्स बनाऊंगा बढ़िया सा, बट यहाँ पूछा मैंने, वो कह रहे हैं कि 7:30 तक इस पहाड़ के पीछे से आएगा 7:30 और अभी हो रहे हैं 6:30, तो बहुत लेट हो जाएगा हमारे लिए, सबको नीचे जाने की पड़ रही है, सब थक गए हैं बहुत गंदा वाला। तो किस्मत रही तो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा, बट आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो वो पहाड़ से ऐसे पूरी रोशनी पड़ रही है सूरज की और नीचे देखो शहर, पूरा शहर कट रहा है। गाइज अभी बज रहे हैं 8 और अभी हम चरण पादुका पे पहुंच चुके हैं, वीडियो के रास्ते बक के आ गए हम, हालत खराब हो गई, पैर कांप रहे हैं, 3-4 लोग रह गए पीछे, वो मुझे लग रहा है 1.5 घंटे में आएंगे। वो देखो उसको कैसे उतर रही है, प्रीति रुको, चलो उतरो। देख रहे गाइज हालत, तो कोई बात नहीं, चलो माता रानी के दर्शन तो हो गए। अभी रिकॉर्डिंग भैया देखिए भाई कर आ जा क्या भाई, अरे तो ये खा ले बेटा, भूख तो लग रही है, बंदर बंदर ना आ जाए। क्या 50-50 कर रहे हो आप? हाँ दोनों को खा लेंगे यार, पतले कितने पेट देखो अंदर कितना और था, देखो आ गया ना बच्चा, अभी देखो उसने अपने बच्चे को खा लिया पहले। ले बेटा चलो फैमिली का हो गया ब्रेकफास्ट। गाइस फाइनली हम भवन के मेन गेट पे पहुंच गए हैं 9:15। क्या शॉट आ रहा है, क्या हुआ? जय माता दी। Let's rock. चलो भाई विशु चले रॉक, चलो चलो जी, जय माता दी, हो गए जी पूरे आपके दर्शन। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और हमारी जर्नी यहीं पे होती है खत्म, और करते हैं इस व्लॉग को यहीं खत्म। टाटा गुड बाय, शब्बा खैर गया। नरेना का फल पाको छेता मेरी छेला।